तो वेलकम माय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द करंट अफेयर्स क्रैश कोर्स. ओके, तो टुडे इज द सेवेंथ डे एंड वी आर गोइंग टू कवर द करंट अफेयर्स ऑफ मई एंड जून. ओके, तो मई और जून महीने का करंट अफेयर्स हम लोग आज कवर करेंगे और उसके एमसीक्यूज भी देखेंगे. तो संडे था इसलिए कल हमारा कोई लेक्चर आया नहीं था, तो आज हम लोग फिर सातवें दिन से स्टार्ट करेंगे. ओके, सो माई सेल्फ निहित किशोर एंड आई एम टेकिंग योर क्रैश कोर्स. सो लेट अस बिगिन विद द डिस्कशन. तो अगर मई महीने का ग्रेड अप से हमने मंथली डाइजेस्ट लिया है, अगर हम लोग देखें तो जैसे मैंने बोला था कि बैंकिंग के टाइम पे जो क्वेश्चन है, बैंकिंग के क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन ही हम देखेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे और मैक्रो लेवल पे होंगे, माइक्रो लेवल पे नहीं. ठीक है, तो उसके बारे में बात करें तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि जो अभी हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, ठीक है, जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन, उन्हें एडवाइजरी काउंसिल जो है 15th फाइनेंस कमीशन का, उसका एक मेंबर चुना गया है. ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट. देन वी हैव नो ई पेमेंट सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक आरबीआई ने विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च करा है जिसका नाम है द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स इन इंडिया विजन 2019-2021. तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि पूछ सकता है कि किसने ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो है वो रिलीज करा है. देन वी मूविंग फॉरवर्ड कॉर्पोरेशन बैंक ने कॉर्प एसएमई सुविधा जो है ये पोर्टल लॉन्च करा है बेसिकली अपने जितने भी एमएसएमई में जीएसटी रजिस्टर्ड एमएसएमईज हैं उनके लिए. और ये जो है आपको आरबीआई ने जो बेसिकली है जो आरटीजीएस के थ्रू कस्टमर का ट्रांजैक्शन क्लियर कर दिया आरबीआई, उसमें उसने टाइमिंग जो है वो थोड़ी एक्सटेंड करके 4:30 PM को उसे बढ़ाकर 6 PM कर दिया है, दैट इज 1 hour 30 minutes और बढ़ा दिया है. ऑबिचुअरीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स. इम्पोर्टेंट डेज में हम लोग बात करेंगे तो ऑब्वियसली लेबर डे वी नो 1st May, ठीक है, प्रेस फ्रीडम डे इज 3rd May, देन वी हैव माइग्रेटरी डे 11th May, दिस इज नेशनल टेक्नोलॉजी ऑल्सो 11th May, बिकॉज ऑन दिस पर्टिकुलर डे द पोखरण 2 वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड ऑन द शक्ति 1 न्यूक्लियर मिसाइल. देन इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22nd May. देन इंडिया ने ऑफिशियली नेशनल डेंगू डे 16th May को डिक्लेयर करा है. देन 29th May is International Day of UN Peacekeepers. And 31st May is No Tobacco Day. तो इस बार आपके लिए UPPCS में तो है, साथ साथ UPSC के लिए भी एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि 31st May को ही एग्जाम भी है. ओके, नाउ द न्यू अपॉइंटमेंट्स, ओनली द मेजर अपॉइंटमेंट्स. Now, this becomes important. M. Jayasri Vyas जो है वो पहली इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर बनी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की. कुछ भी ऐसा अगर पहला हो रहा है स्पेशली वुमेन है कोई, तो दैट इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. Now, जो सेक्रेटरी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के, दैट विल हेड द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री कमेटी टू इम्प्लीमेंट द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम. ठीक है,
देन वी हैव यूक्रेन के जो नए प्रेसिडेंट बने वो वोलोदिमिर जेलेंस्की बने थे। देन वी हैव इम्पोर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव। जितने भी बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स होंगे उसको यूनियन गवर्नमेंट ने हर स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस किया है कि दे शुड बी हैविंग अ ग्रीन प्लेट। ओके फिर जो लास्ट कैप्टिव व्हाइट टाइगर था संजय गांधी नेशनल पार्क मुंबई में दैट डाइड और उसका नाम था बाजीराव। देन वी हैव BSNL became the first operator to start optical fiber based high speed broadband service in Pulwama with the launch of Bharat Fiber. Okay. Now, India's Navy का जो fourth steel से Scorpion class submarine है वेला जो कि project 75I के अंदर है उसको मुंबई में launch करा गया। Then DRDO ने सक्सेसफुली एक फ्लाइट टेस्ट करी है अभ्यास की जो हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट फ्रॉम इंटरिम रेंज इन ओडिशा। इन सिंगापुर और इंडिया की नेवल एक्सरसाइज सिम्बेक्स। फिर यूनियन गवर्नमेंट ने एक MCA 21 पोर्टल जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है इसको बेसिकली लॉन्च करने की बात कही है फॉर द इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स अंडर द कंपनीज एक्ट। ठीक है तो पूरा ऑटोमेटेड प्रोसेस करने के लिए ये पर्टिकुलर पोर्टल लॉन्च करने की बात। नाउ इम्पोर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम वर्ल्ड। नीदरलैंड हैज इमर्ज एज द थर्ड लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर। फिर फ्रेंच का जो ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज है वो वरुणा 19.1। सिंगापुर ने रिसेंटली लॉज पास किए हैं जो कि फेक न्यूज से कॉम्बैट करने के लिए। नाउ ताइवान हैज बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज। देन फ्रॉम स्टेट्स वी गॉट सम न्यूज। थ्रिसूर पूरम इज द मोस्ट स्पेक्टेकुलर फेस्टिवल ऑफ केरला। And on and awards that I'm not going to explain because there is nothing to explain. You have to learn it simply.
ऑनर एंड अवार्ड्स और इसके बाद स्पोर्ट्स सेक्शन, ये पूरा आपको खुद याद करना है, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं आपको मई महीने से, क्वेश्चंस भी आप देख लेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे अभी मैंने बताया वरुणा 19.1 फ्रेंच एक्सरसाइज, ठीक है। फिर जियोलॉजिकल साइट मावलुह केव एंड थेडिया घाट केव जो न्यूज़ में थे रिसेंटली, तो किस चीज़ से न्यूज़ में स्टेट से हैं वो, मेघालय से। फिर मसूद अजहर को यूएनएससी ने डिक्लेयर कर दिया है ग्लोबल टेररिस्ट। फिर पहला यूके जो है पहला ऐसा कंट्री बन गया और पहला पार्लियामेंट जो कि जिसने कि इन्वायरमेंट और क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर करा हुआ है। उसके बाद बात करें तो और क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, तो जो इंडिया चाइना का बॉर्डर ट्रेड है उसके लिए 14th एडिशन जो उसका है, तो उसके लिए नाथुला पास को ओपन किया जाता है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके जून महीने का अगर करंट अफेयर्स हम लोग स्टार्ट करें तो एनबीएफसी के खिलाफ अगर ऑनलाइन कंप्लेन लॉन्च करना है उसके लिए पीएमएस जो है कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम आरबीआई गवर्नर ने लॉन्च करा है। फिर वीजी कनन के अंडर में एक 6 मेंबर कमेटी बनाई गई है जो इंटायर आपको गैमोट है एटीएम चार्जेस और फीस का, उसको रिव्यू करने के लिए, तो वीजे कन्नन आपको याद रखना है। देन यूके सिन्हा कमेटी जो एमएसएमईज के लिए इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी लॉन्ग टर्म प्रोवाइड करेगी, उसके लिए यूके सिन्हा कमेटी आरबीआई ने बनाई है। आरबीआई यूके सिन्हा सेबी के फॉर्मर चेयरपर्सन है। देन इम्पोर्टेंट डेज आप इसमें से इसको याद कर लीजिएगा, कौन से दिन कौन सा स्पेशल डे मनाया जाता है, इट इज टू बी रिमेम्बर्ड। देन कस्तूरी रंगन लेड पैनल जो थी उसने अपनी ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑलरेडी गवर्नमेंट को सबमिट कर दी है, वी ऑलरेडी नो दैट। अजीत डोभाल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे उनको दोबारा से अपॉइंट किया गया और इस बार उन्हें कैबिनेट रैंक दे दी गई। देन वी हैव अभी लोकसभा के स्पीकर है जो वो ओम बिरला को अपॉइंट किया गया था इस बार न्यू लोकसभा के गठन होने के बाद। एलिफेंट फेस्टिवल है वो अब आर्ट एंड कल्चर वो मुंबई में हुआ। देन वी हैव
मोदी वॉज अपॉइंटेड एज अ स्पेशल गेस्ट और स्पेशल इन्वाइटी इन द G7 समिट, ठीक है, जो अभी फ्रांस में हुई थी। ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है उसमें इंडिया की रैंक 141 आई है। हाँ देन न्यूज उतना जून में आपको इम्पोर्टेंट नहीं दिख रहा है। अगर नवरी तो बंद स्कूल में जो तेलंगाना गवर्नमेंट है वो 4,000 से 5,000 कर दिया है। फिर अमास बैलू जो है वो कर्नाटका का पहला सोलर पावर ग्राम पंचायत बना। चीफ मिनिस्टर युवा संबल योजना जो है ये आपको राजस्थान में लॉन्च हुआ है, जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस 3,500 तक का, जिसके पास भी ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट डिग्री है उसको दी जाएगी। इन वर्ल्ड की इम्पोर्टेंट न्यूज़ तो इंडिया और फ्रांस की जो एयरफोर्स की एक्सरसाइज है दैट इज गरुदा। देन G20 जो समिट हुई थी वो ओसाका जापान में हुई। ऑनर एंड अवार्ड्स ऑन स्पोर्ट्स जो है वो आप लोग खुद से देखेंगे, उसको याद करेंगे। हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। मंथली पेंशन पीएम किसान के अंदर जो है वो पीएम किसान पेंशन योजना जो लेकर आए हैं वो उसके अंदर क्या है, 3,000 रुपये। फिर समान पर जितने एलिजिबल फार्मर्स हैं उनको बढ़ा के कर दिया गया है किस स्कीम के अंदर, जो सपोर्ट सिस्टम 6,000 रुपये वाला दैट इज पीएम किसान, जिसमें 2,000 के 3 इंस्टॉलमेंट दिए जाएंगे। देन इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो है 2019 का, उसका थीम क्या होगा, तो थीम योगा फॉर हार्ट। आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। कौन सा इंडियन एयरक्राफ्ट 13 लोगों के साथ मिसिंग हो गया था, तो एंटोनोव AN-32 एयरक्राफ्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। नंदन निलेकानी ने जो है वो डिजिटल पेमेंट्स की डीपनिंग के लिए जो कमेटी बनाई थी ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। GSP प्रेफरेंस US ने इंडिया से छीन ली है। ओके, सो दीज ऑल आर द क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर करंट अफेयर्स फ्रॉम मई एंड जून। तो प्लीज दोनों जो मई महीने के 100-100 क्वेश्चन उनको सॉल्व करिए, करंट अफेयर्स को याद करिए, जो स्पोर्ट्स और अवार्ड सेक्शन है उसको याद करना ज़रूरी है। तो हम लोग फिर अगले दिन कल मिलेंगे 8वें दिन, तो हमारा कंटिन्यू होगा प्रीवियस ईयर पेपर 2015 और 16 का, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर इट विद एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड।